सबसे पहले तुम ही आ गई सामने. हाय हाय पिंकी, नंदन राजपूत, अंजलि गौर, आलोक रॉयल. सबसे पहले तो थैंक्स टू मी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड यू ऑल फॉर माई 100K फैमिली. और सोच रहे होंगे कि मतलब मैं इतनी ऐसे अपसेट से क्यों हूँ, तो इसलिए क्योंकि क्योंकि 10K जब हुआ था तो मेरी नानी मेरे साथ थी, और अभी 100K भी जब कंप्लीट हुआ तो वो मेरे साथ ही हैं. पर फ़र्क इतना है कि वो अंदर हॉस्पिटल में और मैं बाहर, मतलब हमारी फैमिली बाहर. उनको कुछ पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं. मैंने कहा नानी 10K होने के बाद इंस्टाग्राम से पैसे मिलते हैं, शूट्स आएंगे, ये वो. तो बेचारी बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा. मतलब मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मैं इस लाइन में हूँ, और दे फील प्राउड. नानी उसमें से मेरी मॉम की तरह ही है, मेरी नानी को भी बहुत पसंद था. तो मैं हूँ अभी जमशेदपुर में, जहाँ मेरी नानी अभी एडमिट है. मैं कल ही आई हूँ यहाँ पे रात में. ये वो हॉस्पिटल जहाँ पे नानी है मेरी, और ये आउट लोकेशन, और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ. अब बस मैं सोच रही हूँ काश वो होती तो फिर मैं बहुत सेलिब्रेट करती, केक काटती उनके साथ दोबारा से जाके. राखी में जाने की प्लानिंग थी, उन्होंने बुलाया भी था. कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस आप लोग प्रे कीजिए वो सही हो जाए. तो बस मैंने सोचा कि एक बार थैंक्स बोल दूं, क्योंकि बनता है. हालांकि मैं सेलिब्रेट कुछ नहीं कर सकती, और दिल से थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मिलियन में मेरे रील्स लेके जाने के लिए. और प्लीज़, बहुत हार्ड टाइम चल रहा है मेरे और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि नाना नहीं है मेरे, और नानी एक गार्जियन थी हमारी फैमिली में, नींव हमारी. बस ठीक हो जाए वो भगवान की कृपा से और गुरु जी के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, बस वो ठीक हो जाए. तो फिर बहुत ह्यूज सेलिब्रेशन होगा हमारे पूरी फैमिली के साथ में. हाय जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, और आज तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, मोर देन 100. थैंक यू सो मच जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं. प्लीज़ मुझे आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार की और दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे और मेरी फैमिली को. बस प्रे कीजिए कि जल्दी से अच्छी हो जाए मेरी नानी, और मेरे पूरी फैमिली में बहुत खुशी का माहौल दोबारा से आए, और हम लोग बहुत बड़ा ग्रैंड पार्टी कर रहे हैं, और मैं उस पार्टी में अपनी नानी के साथ 100K का केक कट करूं. वरना शायद मैं, अगर कुछ भी ऐसा हो, वैसे तो ना हो हुआ, तो शायद ही मैं कोई सेलिब्रेशन कर पाऊंगी. वैसे भी बर्थडे तो मैं मनाती नहीं, डैडी के डेथ के बाद. आप लोगों के कारण मैंने इस साल अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था. सेलिब्रेशन ही छूट जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी फैमिली को इतनी प्रायोरिटी देते हैं. मैं उनमें से नहीं हूँ. मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी फैमिली होती है, क्योंकि फैमिली के बिना मतलब कोई कुछ नहीं होता, मेरा मानना है. फैमिली कैसी भी हो, फैमिली अपनी होती है. रिलेटिव्स अपना अगर हो तो लगता है कि हाँ कोई है दुनिया में, वरना सारे ढकोसले हैं. बाबू सोना नोना सब अपने मतलब के लिए होते हैं. एक फैमिली होती है जो मारो डांटो गाली दे कुछ भी करे, वो आपका भला ही सोचती है. और फैमिली में गार्जियनशिप होना बहुत ज़रूरी है.
और जब तक बड़े बुजुर्ग ना हो आपके फैमिली में, फैमिली कंप्लीट नहीं होती, मेरा ऐसा मानना है। तो ये बहुत हार्ड टाइम है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, सो थैंक यू सो मच एंड या आई लव यू टू। सो प्लीज़ प्रे कि सब कुछ सही हो जाए। प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी चल रही है लेकिन पर्सनल लाइफ मेरी इतनी डिस्टर्ब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर लूँ। चलो बाय, थैंक यू सो मच दिल से, जय शंकर की। रोहित पापा सही है ना तुम्हारे? चलो बाय और टेक केयर एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर 100K और मोर देन 100K। आई विश कि और ज़्यादा हो और थैंक्स मिलियन में पहुँचाने के लिए। दिल से कोई खुशी नहीं होगी, क्या बता आगे चल। आई एम ब्रेव इनफ। ओके, क्या हमसे शादी करोगी? नहीं जी नहीं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं ऐसी खुश हूँ। मुझे संन्यास लेना है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। थैंक यू फॉर योर जो भी है। चलो बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स वंस अगेन और बाय, टेक केयर।